आज हम अटक जेल खान साहब से मिलने के लिए जाएंगे। एक वकील की हद तक जेल अकाम ने अलाउ किया है, लेकिन ज़्यादा वकील नहीं कर रहे। हमारी ये इस्तदा थी कि 200 के करीब केसेस हैं खान साहब के, तो कानून के मुताबिक हमारा हक है। जेल मैनुअल के मुताबिक कोई पाबंदी नहीं है, एक जाए, दो जाए, चार जाए, लेकिन हमारी इस्तदा मंजूर नहीं की गई। उसी बाबत हमने रावलपिंडी हाई कोर्ट में एक पटिशन दायर की हुई है, जिसकी आज समाअत होगी, और उसमें हमने मुख्तलिफ लायर्स 200 के करीब केसेस हैं, तो मुख्तलिफ वकला को मिलने की इजाज़त मांगी है हमने। इंशाल्लाह आज जो ही इजाज़त मिलेगी तो फिर हम उस हिसाब से इंशाल्लाह आज वकला सारे जाएंगे। और दूसरा, खान साहब की जो पटिशन है, जो हर रोज़ आप पूछते हैं, वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में 22 के लिए फिक्स हो गई है, जिसमें हमने खान साहब की सज़ा, जो कि तोशाखाना केस के अंदर उन्हें हुई है, उसकी मुतली की इस्तदा की है। तो इंशाल्लाह जो ही वो समाप्त होगी तो खान साहब की इंशाल्लाह बेल हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो खाने के हवाले से थी, वो आज चीफ साहब छुट्टी पे हैं, हम उसके लिए अलग से लायावल तैयार कर रहे हैं कि हमने पिंडी हाई कोर्ट जाना है या क्या सूरत हाल करनी है। इंशाल्लाह वो भी जल्दी करेंगे। और जो खान साहब की बेल्स खारिज हुई हैं, स्पेशली आपको बताना चाहता हूँ, जो खान साहब की बेल्स नैब में, इस्लामाबाद डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में, लाहौर एंटी टेररिज्म कोर्ट में जो खारिज हुई हैं, उनको हम जो तमाम ऑर्डर्स थे वो सारे के सारे हम चैलेंज कर रहे हैं। इंशाल्लाह आज वो चैलेंज हो जाएंगे, और हम वो जो हुक्म जो उनकी गैर यानी कि मौजूदगी में पास किया गया कि वो पेश नहीं हुए, तो वो हुक्म मुअत्तल करवाने के लिए हम इंशाल्लाह आज कोर्ट में जाएंगे और इस्तदा करेंगे कि वो जानबूझकर नहीं पेश हो रहे थे, बल्कि अटक जेल के अंदर कैद थे और उनको तलब करवाया जा सकता था, तो लिहाजा वो जो जमानतें खारिज हुई हैं वो बहाल की जाएं। थैंक यू सो मच। हम पुरज़्म हैं आपको आगाह करने के लिए। अगर आप दुनिया भर से हासिल होने वाली इत्तलात, मालूमात और खबरें जानना चाहते हैं तो अभी सुनो न्यूज़ का YouTube चैनल सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें।